आपका पहला प्रश्न है, किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए शेर, बी भालू, सी जिराफ, डी तेंदुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर। आपका तीसरा सवाल है, हरा सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सरसों, बी अंगूर, सी चाय, डी धनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाय। आपका अगला सवाल है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है ए भेड़, बी बिल्ली, सी भैंस, डी बकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बकरी को। आपका पांचवा प्रश्न है, किस फल को खाने से पेट में गैस नहीं बनता है? आपके विकल्प है ए आम, बी पपीता, सी कटहल, डी अंगूर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पपीता। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अनोखा फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ड्रैगन फ्रूट, बी नारियल, डी कटहल, डी कीवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट। आपका सातवां सवाल है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 8 अंक, बी 10 अंक, सी 12 अंक, डी 14 अंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अंक। आपका आठवां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? आपके विकल्प है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 वर्ष बाद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। आपका दसवां सवाल है, विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है? आपके विकल्प है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन में। आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगजेब को। आपका अगला प्रश्न है, पीला सेब कहां पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी अफ्रीका, डी नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में। आपका तेरहवां प्रश्न है,
हंसना का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रोना, बी नाराज होना, सी चिल्लाना, डी मुस्कुराना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोना। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपके विकल्प है ए रोहतांग सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी पीर पंजाल सुरंग, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसका सही जवाब होगा डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आपका 15वां प्रश्न है, ज्यादा चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए कब्ज, बी एनीमिया, सी पथरी, डी सुगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनीमिया। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 14 सितंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 5 जनवरी, डी 14 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोदा गया था? आपके विकल्प है ए डिगबोई, बी जयपुर, सी सूरत, डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिगबोई में। आपका 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी माउस, डी मॉनिटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीपीयू। आपका अगला सवाल है, गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी मांडवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मांडवी नदी के किनारे। आपका 20वां सवाल है, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके विकल्प है ए आश्चर्य करना, बी क्रोध करना, सी दया करना, डी डंग मारना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दया करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।